हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं लेके आ रहा हूँ, मोहम्मद शमी के ट्रेड के बारे में मैं खबर लेके आ रहा हूँ। और ये खबर गुजरात टाइटंस के COO ने खुद अरविंदर सिंह ने खुद जो है अपने इंटरव्यू में कहा है कि मोहम्मद शमी की भी ट्रेड के लिए इंक्वायरी की गई है। और हार्दिक पांड्या जिन पे काफी क्वेश्चन मार्क लगे थे कि मुंबई इंडियंस किसी प्लेयर से कैसे कांटेक्ट कर सकती है, तो ऐसे ही उन्होंने भी जो है वो दुख जाहिर किया कि आप मैनेजमेंट से बात नहीं करते हो, आप डायरेक्ट प्लेयर से बात कर लेते हो। पूरा मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे ट्रेड की जाती है। पहले आपको प्लेयर से बात करनी होती है, मैनेजमेंट से बात करनी होती है, उसके साथ साथ कौन वो फ्रेंचाइजी है जिन्होंने मोहम्मद शमी के ट्रेड के लिए इंक्वायर किया था, जो अभी तो गुजरात टाइटंस ने उसको मना कर दिया। तो गुजरात टाइटंस के पास नहीं, किसी एक सपोर्ट स्टाफ के पास जो कि गुजरात टाइटंस के थे उनके पास अप्रोच किया गया, मुंबई इंडियंस या पंजाब किंग्स में से एक फ्रेंचाइजी ने, और उनसे ये पूछा गया कि मोहम्मद शमी का ट्रेड हम करना चाहते हैं, आप मोहम्मद शमी से बात करिएगा। मैनेजमेंट से नहीं पूछा गया। और ऐसा ही हमने 2010 में भी देखा था जब रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हुए और उनसे मुंबई इंडियंस ने इंक्वायर किया था कि भाई हम आपको लेना चाहते हैं, और ऑलमोस्ट डील जो है वो डन कर ली थी। लेकिन जब BCCI को इस बात का मालूमात हुआ तो उन्होंने सीधा प्लेयर को एक साल के लिए टर्मिनेट कर दिया था। एक साल तक रविंद्र जडेजा जो है वो IPL 2010 नहीं खेल पाए थे। पहले तो हार्दिक पांड्या का ही ट्रेड संशय के घेरे में रहा है, गुजरात टाइटंस ने जिस प्रकार से सवाल भी उठाए। और ना देखो यार, मुंबई इंडियंस में तो ना रोहित शर्मा को पता था, ना सूर्य कुमार बुमराह, किसी को नहीं पता था। उन्होंने तो सिर्फ मुंबई इंडियंस ने और उनमें भी गिने चुने लोग, अंबानी फैमिली ने जो है वो बात करी हार्दिक पांड्या से कि हम आपको लेना चाहते हैं। हार्दिक पांड्या ने भी कुछ ना कुछ जो है मनसा अपनी जाहिर करी, उसके बाद मैनेजमेंट को अप्रोच किया। ये तो मैनेजमेंट को अप्रोच तो इन्होंने अब किया है एक महीने पहले ही, तभी तो लास्ट मोमेंट तक जो है इनके पेपर साइन नहीं थे, फिर ये कैमरून ग्रीन का ट्रेड करते हुए घूम रहे थे। तो अभी मोहम्मद शमी के बारे में भी इन्होंने इंक्वायर किया था। आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, वो मुंबई इंडियंस जिसमें जसप्रीत बुमराह भी दिखे आपको, मोहम्मद शमी भी दिखे, हार्दिक पांड्या भी दिखे, सूर्या भी दिखे, रोहित शर्मा भी दिखे, ईशान किशन भी दिखे, तो वो टीम बहुत जबरदस्त हो जाएगी। लेकिन वो ट्रेड जो है अभी रिजेक्ट कर दिया है गुजरात टाइटंस के COO अरविंदर सिंह ने। एक इंटरव्यू दिया, उसमें ये बताया कि बहुत चिंता का विषय है कि आजकल प्लेयर्स जो है वो फ्रेंचाइजी से ऊपर आ गए हैं और सामने वाली फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट से बात नहीं करती, वो सीधा प्लेयर्स से कॉन्टेक्ट करती है, और उसके बाद प्लेयर्स अगर हाँ भर देते हैं तो मैनेजमेंट मजबूर हो जाती है उनका ट्रेड करने के लिए। जो केस हुआ हार्दिक पांड्या के केस में, हार्दिक पांड्या एक सफल कैप्टन, नई फ्रेंचाइजी चला रहे हैं, फ्रेंचाइजी का पूरा ट्रस्ट उनके ऊपर, लेकिन चले गए मुंबई इंडियंस के पास। अब फ्रेंचाइजी क्या करे, वो तो शुक्र मनाओ, उन्होंने शुभमन गिल को ले रखा था, वरना राशिद खान को कैप्टनसी देनी पड़ती, केन विलियमसन को देनी पड़ती, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है किसी फ्रेंचाइजी को। तो अब एक ये भी IPL में बिल्ट हो गया है कि जो टॉप ब्रास फ्रेंचाइजियाँ हैं लाइक मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, RCB, ये किसी को भी खरीद सकती हैं क्योंकि इनकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई। और जो अभी अभी जो फ्रेंचाइजीज आई हैं और जो पहले से हैं उनकी मार्केटिंग इतनी नहीं है, जैसे गुजरात टाइटंस हो गई, लखनऊ सुपर जायंट्स हो गई, सनराइजर्स की बात कर लो आप, राजस्थान की बात कर लो, दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लो, तो ये इनकी मार्केटिंग इतनी नहीं है। तो यहाँ पे जो अगर कोई बड़ा प्लेयर चला जाता है तो ये फ्रेंचाइजी उनको कोर नहीं समझ पा रही। सबसे बड़ा डर ही यही है IPL ट्रेड का, और इस पे BCCI और IPL गवर्निंग काउंसिल को कुछ ना कुछ जो है वो कदम उठाने चाहिए कि भाई जो पूरा प्रोसीजर होगा वो फॉलो होना चाहिए। अब यार एक फोन कॉल करके कोई कह दे कि आ जाए यार मुंबई इंडियंस में, वो सामने वाला भी मान जाए, तो उसमें मैनेजमेंट का रोल खत्म हो गया ना। तो फिर तो आप मैनेजमेंट और IPL से बड़े हो गए, तो ये नियर फ्यूचर में भी हमें दिख सकता है अगर IPL गवर्निंग काउंसिल ने इसका कोई भी जो है वो तोड़ नहीं निकाला तो। तो ये थी इस समय की सबसे बड़ी खबर। लेकिन मोहम्मद शमी का ट्रेड जो है वो अभी नहीं हो रहा किसी भी टीम के साथ, हालांकि डीकॉक, मयंक अग्रवाल और ये KKR, इनके बीच में जो है वो ट्रेड इज स्टिल ऑन। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं रोहित आपको सबसे पहले अपडेट ला के दूंगा। सब्सक्राइब करो, ठोको यार सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबाओ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित।